हेलो गाइस, आवर टू ऑल वेलकम टू नॉर्थ इंडियन किचन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बरवा करेले की सब्जी। गाइस, आप सबने तो बरवा करेले की सब्जी खाई होगी। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्टीम करेले वाली सब्जी, जो आपने कभी नहीं खाई होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे मैंने बरवा करेला थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया है, जिससे ये बहुत हेल्दी भी रहेगा और खाने में बिल्कुल कड़वा भी नहीं होगा। साथ में इसकी स्टफिंग बिना धागे के बाहर भी नहीं निकलेगी। तो चलिए ये हेल्दी और टेस्टी बरवा करेला बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने अपने करेलों को छील लिया अच्छी तरह, मैंने इसको अच्छी तरह पील कर लिया और जो अंदर से इसके सीड्स निकाले मैंने वो भी रखे हैं और जो इसके ऊपर से मैंने छिलके उतारे वो भी रखे हैं। हमने कुछ भी नहीं फेंकना, ये सभी चीजें यूज होंगी। गाइस, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, सीक्रेट ट्रिक है, हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको स्टीम करेंगे। आज की रेसिपी करेला बरवा रेसिपी। चलिए गाइस, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आपके इसके जो बीज है सॉफ्ट है तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट जो रेड वाले बीज होंगे उसको थ्रो कर देना है, उसको नहीं रखना हमें अपने बीज को। गाइस, मैंने सॉल्ट लिया पर टेस्ट और हल्दी डाल दी है 1 स्पून। इसको अंदर से भी अच्छी तरह लगाएंगे और बाहर से भी अच्छी तरह लगाएंगे। नमक अंदर भी डालिए और बाहर भी डाल दिए। गाइस, इन सबको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं नमक और हल्दी लगा के। नमक को अंदर भी अच्छी तरह लगाना और बाहर भी अच्छी तरह लगाना, और जो हमने करेले का छिलका लिया उसको भी हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इन दोनों चीजों को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जो हमने करेले के छिलके लिए थे, देखिए कितना पानी आ गया इसमें आधे घंटे के बाद। ये देखिए, ये पानी बहुत ही कड़वा होता है। अब हम एक काम करना होगा, हमें इसे अच्छी तरह वॉश करना होगा और फिर इसको स्क्यूज करना होगा। सोच रहे होंगे सारा न्यूट्रिशन निकाल दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसका छिलका भी यूज किया और इसके बीज भी यूज किए, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पूरे न्यूट्रिशंस हैं। हमें यह कड़वा पानी तो निकालना ही होगा क्योंकि उसका टेस्ट तो अच्छा ही नहीं होता। सो छिलके में वैसे न्यूट्रिशन है और बीज में भी न्यूट्रिशन है। चलिए गाइस, अब अपने पैन गैस पे रख दिया, अब मैंने उसमें ऑयल ऐड कर दिया। अभी मैं इसमें हींग वगैरह नहीं डालूंगी, सबसे पहले मैं करेले के छिलके डालूंगी और बीज डालूंगी जो हमने पीस किए हुए थे करेले के छिलके, अब वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो करेले के बीज है अब वो ऐड कर देते हैं साथ, हम इसको सॉफ्ट होने देते हैं अच्छी तरह। आज जो हम अपने करेलों में मसाला भरेंगे, इन दोनों चीजों का करेले को मसाला भरेंगे, इससे हमारा करेले जो बरवा करेले बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं, सारे न्यूट्रिशन इसमें आएंगे। अब हम इसको सॉफ्ट होने देते हैं। ये गाइस, मैंने 3 स्पून रोस्टेड चने लिए हैं, क्रश रेड चिली ली है कुटी हुई और कश्मीरी रेड चिली ली है 1 स्पून, हल्दी पाउडर लिया 1/2 स्पून, करी पाउडर लिया 2 स्पून, जीरा पाउडर लिया 1 स्पून, साल्ट एज पर टेस्ट और फेनल सीड्स लिए मैंने, सौंफ लिए 2 स्पून। गाइस, मैंने हिंग का यूज नहीं किया, आप हिंग भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन सबको ब्लेंडर जार में डाल लेते हैं। हम इन सब मसालों को ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट बन चुका है हमारा मसालों का। ये देखिए गाइस, हमारा जो छिलके थे करेले के और बीज अच्छी तरह पक चुके हैं, सॉफ्ट और मैशी हो चुके हैं। अब हम अपने जो हमने मसाला ग्राइंड किया है वो डाल देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। गाइस, इन सबको अच्छी तरह स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। गाइस, अगर आपके पास कच्ची कैरी है आप वो भी डाल सकते हैं, जो लोग नहीं पसंद करते कच्ची कैरी वो अवॉइड भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने आमचूर पाउडर का यूज किया, ये भी बड़ा अच्छा खट्टा फ्लेवर आ जाता है हमारे मसालों में। एक और बात, जो हमने सारे छिलके डाले हैं ना और सारे जो बीज डाले हैं उससे ये मसाला बहुत स्वादिष्ट बनता है। अगर हम उन सबको हटा देते हैं ना, फिर मसाले मसाले का ही स्वाद आता है, फिर ना ही न्यूट्रिशन होते हैं और ना ही कुछ। गाइस, हमारे अब इसमें प्याज भी यूज नहीं किया, तो फिर इसलिए हमें अपने करेलों के छिलके और बीज डालने बहुत जरूरी है। अगर आपके बीज मोटे हैं और लाल रंग के हैं आप उसे हटा सकते हैं। ये
देखिए हमारे मसालों की फ्राइनेस कितनी अच्छी आ रही है। अब हम इसको 5-10 मिनट्स के लिए स्टेयर होने देते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा मसाला अच्छी तरह छिलकों के साथ पक चुका है। अब हम इसमें अपना हरा धनिया ऐड कर देंगे। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। चलिए अब अपनी करेलों की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हाल उनका। गाइस अब हम इन करेलों को बीच पानी डाल देंगे, इनको अच्छी तरह धो देंगे। अच्छी तरह धो लेते हैं और ये स्क्यूज कर देंगे, इनको अच्छी तरह स्क्यूज कर देंगे, सारा पानी निकाल देंगे करेलों में से। हम अपनी फिलिंग भरते हैं। ये देखिए कितनी स्पेस है हमारी करेलों में। और हम मसाला हम भर भर के लगाएंगे इसके, कूट कूट के। इसको धागा लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मसाला पूरा अच्छी तरह पक चुका है। ये देखिए अपनी करेलों में अच्छी तरह फिल कर ली है अपने मसाला। अब हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने बॉयलर में पानी डाल दिया। अब हम इसको बॉईल करेंगे और उसके ऊपर हम स्टीम प्लेट रखेंगे और अपने करेलों को स्टीम करेंगे। जो भरे हुए करेले हमने मसाले वाले स्टीम करेंगे। मैंने इसको अपना ऑयल से ग्रीस कर दिया। अब हम इसको स्टीम करेंगे। इसको ढक देते हैं। ग्रिल स्टैंड में भी इसको स्टीम दे सकते हैं और इसको कढ़ाई में भी स्टीम दे सकते हैं। जैसे आपको सफिशिएंट लगता है, जैसे आपको ठीक लगता है, आप उसमें स्टीम दे दीजिए। गाइस हम इन सबको उठा के थोड़ा थोड़ा साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि सब साइड स्टीम्स हो जाए, हमारी सब साइड स्टीम लग जाए करेलों को। चलिए गाइस देखते हैं हमारे करेले स्टीम हो चुके हैं। देखिए टूथपिक के साथ देखते हैं, बिल्कुल ये देखिए अच्छा स्टीम हो चुका है, पक चुके हैं हमारे करेले। अब हम अभी इसको स्टीम करने में करीबन 20 मिनट्स लगे हैं। पूरे अच्छी तरह स्टीम हो चुके हैं हमारे करेले। अब हम उनको निकाल लेते हैं। पूरा अच्छी तरह करेला तैयार करने में हमें करीबन 15-20 मिनट लगे हैं अच्छी तरह स्टीम होने में। चलिए गाइस, एक दो दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में रखना है तो हमें इसको ऑयल में फ्राई करना, इसलिए ही इसको कढ़ाई में तेल डाल के इसको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे हम, ताकि हम इसको 2-3 दिन के लिए अच्छे से पेट भर के खा सकें। इतनी मेहनत लगी है तो फिर हमें, इसलिए हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा रोस्ट करके, क्यों ना रोस्ट करके रख सके और अच्छे से मन भर के खाएं। इतना टेस्टी करेले बने, भरवे करेले। एक साथ मन करे काफी सारे बना लीजिए और 2-4 दिन मन भर के खाइए। ना इसमें प्याज है, ना टमाटर है, ना लहसुन है, चले का भी लंबा टाइम। इसके अंदर पूरे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसके करेले के अंदर, इसके अंदर हमने करेले के छिलके और बीज डाले हैं, फुल न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। इसी तरह हम रोस्ट कर लेते हैं। फिर आप सब लोग कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए गाइस, हमारे करेले अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमारे करेले बनाने का, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपका कमेंट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सर आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं चाहते, आप इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं और ओवन में भी कर सकते हैं। तो आप 2 चम्मच ऑयल डाल के कढ़ाई में इसको स्टीयर फ्राई करेंगे ना, ऐसा लगेगा करेला बहुत ही परफेक्ट बना है। और आप इसे करेले को एंजॉय कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। गाइस अपने प्लेट में डाल देते हैं हमने भरवे करेले, ना ही हमने इसको कुकर में सीटी बजवाई है, बस स्टीम दी है हमने इसको। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए गाइस, हमारा सुपर सॉफ्ट एंड हेल्दी भरवा करेला प्रिपेयर हो चुका है। फिर आप कब बना रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी लुक है इसकी करेले की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और ये स्टीम भरवा करेला को एंजॉय कीजिए। सुपर सॉफ्ट एंड मैशी। बाय बाय टू ऑल।